तिवारी, आपका फ्रेंड और मार्गदर्शक, आपके अपने इस चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए अभी तक चार जो वीडियो लाए हैं वो 12 राशि लग्न से संबंधित हैं। उसी कड़ी का आज ये पांचवा वीडियो है जो सिंह यानी कि लियो लग्न यानी कि असेंडेंट पे आधारित है। पहले दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें और मेरे इस चैनल का सीधा लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा अनुपम, महान और दिव्य विद्या है जिसके द्वारा हम अपने जीवन और जीवन में घटने वाली घटनाओं और बातों के संबंध में अति महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसका सही उपयोग किया जाए और आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है या आप जो ज्ञान ले रहे हैं वो सटीक और विश्वसनीय हो, तो इसे आप अपने जीवन में अनुप्रयुक्त करके और आत्मसात करके अपने जीवन का लक्ष्य भी जान सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बिना संशय के, संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस मानव जन्म को सार्थक कर सकते हैं। इसीलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे वीडियो से आपको संक्षिप्त मगर प्रिसाइस इंफॉर्मेशंस मिला करें। दोस्तों, अब मूल विषय से बाहर न हटते हुए मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ सिंह राशि लग्न के विषय में जो कि आज का मूल विषय है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भ चक्र यानी राशि चक्र, जिसका विस्तार 360 डिग्री होता है, जिसमें से प्रत्येक राशियाँ 30 डिग्री के फैलाव की होती हैं और हर एक राशि का अपना कारकत्व, अपनी विशेषता, अपना स्वतंत्र स्वभाव है। और अगर इनमें से किस कोई भी राशि, मेष से लेके मीन तक की कोई भी राशि, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में उदय होती है, तो उस राशि विशेष का आपकी जिंदगी पे जीवन पर्यंत बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुरूप आपकी जिंदगी का दिशा निर्धारित होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक राशि लग्न का जो फैलाव है 30 डिग्री होता है, तो जो सिंह यानी कि लियो राशि है उसका फैलाव 120 डिग्री से 150 डिग्री तक राशि चक्र में होता है और इस फैलाव के साथ ये पुरुष संज्ञक दिन में बली राशि है। अर्थात इस लग्न में जो जन्मे जातक हैं वो दिन के समय ज़्यादा बलि माने जाते हैं। यह स्थिर राशि है, अर्थात इस राशि में जो जन्मे जातक हैं वो स्थिर स्वभाव के, स्थिर व्यक्तित्व के और स्थिरता मतलब टिकाऊपन पसंद व्यक्ति होते हैं। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि है, इसलिए इस राशि लग्न में जन्मे जातक अत्यंत तेजस्वी, निर्भीक, पराक्रमी और साहसी होते हैं। दोस्तों, हम इनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में विस्तार से और पूर्णता से जानते हैं, तो चलिए मैं आपको इनके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में अति आवश्यक जानकारियां देता हूं। दोस्तों, जो सिंह राशि में
सिंह राशि के लग्न में जन्म लेते हैं वो जातक अग्नि तत्व के कारण और स्थिर राशि होने के कारण जीवन में स्थिरता को बहुत पसंद करते हैं। ये लोग बहुत साहसी, निडर, पराक्रमी, ऊर्जावान और जीवंत होते हैं। ये लोग अपने जीवन में कोई भी काम जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते और ना ही ये लोग जल्दी परिवर्तन करना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत सोच विचार कर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और जब एक बार प्रारंभ कर लेते हैं तो ये लोग अपने संकल्पों में बहुत दृढ़ संकल्पित होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं और ये अपने कार्यों को आम तौर पे अधूरा नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनमें नेतृत्व क्षमता उच्च दर्जे की पाई जाती है। दोस्तों, जो इस राशि का स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी, राजा है, किंग है। तो इस राशि के व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति के, राजा जैसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें अत्यंत उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता अर्थात लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। ये छोटे समूह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करने में, कुशल नेतृत्व करने में बहुत पारंगत होते हैं। इनकी प्रबंधन क्षमता भी बहुत बेहतरीन होती है। ये बहुत लोकप्रिय नेता, बहुत बड़े व्यापारी और बहुत प्रसिद्ध और बहुत सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति ऊपर से कठोर, क्रोधी, तेजस्वी और तीक्ष्ण स्वभाव के दिखते हैं, परंतु अंदर से उनमें दयालुता और मानवता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। सिंह राशि के व्यक्ति अंदर से बहुत संवेदनशील और बहुत मानवीय होते हैं। दयालुता की भावना इनके अंतर मन में और अंतर जगत में बहुत गहराई से विद्यमान होती है। सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं वो लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। स्वभाव में एक जुनून होता है, एक जिद होता है। ये लोग प्रेम करना बहुत पसंद करते हैं, स्वभाव से बहुत रोमांटिक भी होते हैं, हालांकि ये प्रेम के क्षेत्र में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। इनके स्वभाव में एक बहुत बड़ी जो कमी या दोष बोला जाएगा वो ये है कि ये कभी कभी बहुत अहंकारी भी होते हैं। क्रोध से इन्हें बचना चाहिए क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है, हालांकि ये न्याय के लिए क्रोध करना पड़ता है इन्हें किसी चीज के न्याय पे, क्योंकि बहुत न्याय पसंद होते हैं। दोस्तों, सिंह राशि के बारे में, उसके करियर के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अर्थात पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में अर्थात मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जो किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हो उसमें, सेना में, पुलिस में और अन्य इस तरह टाइप के साहसिक कार्यों में, खेल कूद में, इसके साथ ही साथ ज्वेलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं ये लोग। अनाज का, खाद्यान्नों का बहुत अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं। खेती के संबंधित कामों में भी ये लोग बहुत सफल हो सकते हैं। ये लोग बहुत उच्च दर्जे के, उच्च कोटि के नेतृत्वकर्ता होते हैं, इसलिए लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप पोजीशन के लिए परफेक्ट होते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि सिंह राशि के लिए शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं। सिंह राशि के लिए जो सूर्य है वो लग्नाधिपति भी है, प्रथम भाव का स्वामी होने से त्रिकोणाधिपति भी है और इस राशि के लिए अति शुभ फलदायी होता है। अपनी दशा और अंतर्दशा में सूर्य का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ जो बृहस्पति है,
वो इस राशि में पंचमेश है, क्योंकि उसकी जो प्रथम राशि है धनु राशि वो पंचम भाव में, और द्वितीय राशि मीन राशि अष्टम भाव में होती है। हालांकि अष्टम भाव अशुभ भाव माना जाता है, परंतु त्रिकोणेश होने के कारण, त्रिकोणाधिपति होने के कारण हम त्रिकोण भाव को ही वरीयता देते हैं, और इस नाते और साथ ही साथ राशि राशि और लग्न के जो स्वामी हैं सूर्य के नैसर्गिक मित्रता के कारण गुरुदेव इस राशि के व्यक्तियों के लिए परम शुभ फलकारी होते हैं। इसके अलावा एक और नैसर्गिक मित्र मंगल की राशि नवे भाव में होती है, और नवा भाव भाग्य का भाव होता है। नवमेश होने के कारण भी जो मंगल नवमेश होने के कारण इस राशि में बहुत शुभ प्रभाव देता है अपनी दशा और अंतरदशा में। इस प्रकार से सूर्य, गुरु और मंगल इस राशि वालों के लिए बहुत शुभ फलदायी होते हैं, और अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा में सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सदैव शुभ करते हैं। हालांकि किसी भी शुभता और अशुभता के लिए ग्रहों का बलाबल, षडबल और अष्टक वर्ग बल देखना बहुत जरूरी है। अब हम ये जानेंगे कि इस राशि के लिए जो अशुभ ग्रह है वो कौन से हैं। दोस्तों, जो शुक्र है उसकी दो राशि, तुला राशि तृतीय भाव में, और जो वृष राशि है वो दशम भाव में पड़ती है। अर्थात जो शुक्र है सौम्य ग्रह है, और लग्नाधिपति सूर्य का नैसर्गिक शत्रु है, वो एक केंद्राधिपति भी है और एक अशुभ भाव का स्वामी भी है, और इस कारण से वह इस राशि वालों के लिए तटस्थ अर्थात सम प्रभाव उत्पन्न करता है। ना ही बहुत शुभ होता है और ना ही अशुभ होता है, और इसकी दशा में और अंतरदशा में, प्रत्यंतरदशा में जातक को औसत दर्जे का परिणाम मिलता है, जो ना ही बहुत शुभ माना जाएगा ना ही बहुत अशुभ माना जाएगा। इसके अलावा जो बुध है, बुध की दो राशियां हैं इस लग्न में। बुध की दो राशियां कन्या द्वितीय भाव में पड़ती है, और इसके साथ ही साथ जो मिथुन राशि वो 11वें भाव में पड़ती है। द्वितीय भाव मारक भाव होता है, और बुध लग्नाधिपति सूर्य का नैसर्गिक मित्र होते हुए भी चूंकि दो क्रूर भाव, द्वितीय भाव और 11वें भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव जो होता है वो एक्चुअल में क्रूर भाव नहीं मारक भाव है, इसलिए बुध अपनी दशांतर दशा और प्रत्यंतर दशा में इस जातकों के लिए अशुभ फलदायी होता है। जो शनि है वो छठे और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण तथा लग्नाधिपति सूर्य का नैसर्गिक परम शत्रु होने के कारण अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में इन जातकों के लिए बहुत अशुभ फल देता है। इसके अलावा इसका लग्नाधिपति सूर्य का एक मित्र जो चंद्रमा है वो भी द्वादशेष होने के कारण 12वें भाव में कर्क राशि आती है, और उसका स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस राशि लग्न में जन्मे व्यक्तियों के लिए शुभ फलदायी नहीं कहा गया है। इस प्रकार से चंद्रमा, बुध, शुक्र, एक्चुअल में शुक्र तो शम सम प्रभाव है, लेकिन शनि, चंद्रमा, बुध और शनि इन जातकों के लिए अशुभ फलदायी है। दोस्तों, यहाँ हम राहु और केतु का उल्लेख नहीं करेंगे कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या फिर जिस ग्रह की दृष्टि पाते हैं या जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके अनुरूप फल देते हैं, इसलिए हम छाया ग्रहों राहु और केतु का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन जो लग्न में जन्मे व्यक्तियों का जो शुभ रत्न है वो क्या है। दोस्तों, इन व्यक्तियों का जीवन रत्न जो उन्हें हम जीवन भर पहनना चाहिए या जीवन भर पहन सकते हैं, माणिक्य है, क्योंकि सूर्य का रत्न माणिक्य है और लग्नाधिपति सूर्य के रत्न को ही आपको जीवन भर धारण करना है। तो आप उपयुक्त माप का माणिक्य
रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंचमेश है गुरु, वो आपका पुण्य रत्न पुखराज का अधिधाता ग्रह है, इसलिए आप गुरु की दशा महादशा में, खासतौर पे महादशा में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और मंगल जो नवमेश है भाग्येश है, उसकी दशा में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, जो आप रत्न धारण करते हैं, रत्न धारण करने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कुंडली में ये शुभ ग्रह शुभ स्थानों में बैठे हैं मगर कमज़ोर हैं षडबल और सर्व अष्टक बल, जिसे अष्टक बल भी बोलते हैं, उसमें कमज़ोर हैं, तभी आप ये रत्न धारण कीजिए। हालांकि आप जीवन रत्न बिना संदेह धारण कर सकते हैं, मगर जो पुण्य रत्न हैं और भाग्य रत्न हैं, उसको धारण करने से पहले ग्रहों का बलाबल देखना बहुत आवश्यक है। आशा करता हूँ दोस्तों, मेरा यह वीडियो सिंह राशि में जन्मे, सिंह राशि लग्न में जन्मे व्यक्तियों के सारे प्रश्नों का, सारे जिज्ञासा का, सारे दुविधाओं का और सारे संशय का निराकरण कर दिया होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे दिए गए सेल फोन नंबर पे आप कॉल करके भी अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।